हरदा जिले के सहकारी समिति बैंक से हरदा जिले के किसानों ने अपनी खेती करने के लिए कर्ज लिया है, लेकिन आमदनी एवं खेती सही नहीं होने के कारण से किसानों द्वारा राशि जमा नहीं करने पर बैंक ने हरदा जिले के 300 से अधिक किसानों की नाम की सूची सार्वजनिक कर दी है। आपको बता दें कि हरदा जिले के 300 से अधिक किसानों ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन अभी तक उसकी राशि 75 करोड़ राशि जमा नहीं की है। अब ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। बैंक मैनेजर सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि हरदा सहकारी समिति के मुख्य शाखा से किसानों ने खेती हेतु कर्ज लिया है, लेकिन अभी तक जमा नहीं करने पर अब बैंक के द्वारा किसानों की सूची सार्वजनिक की गई है। जिला प्रशासन को इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु पत्र भी लिखा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिहोरी ने कहा कि किसानों ने अपनी खेती कार्य के लिए ऋण लिया है, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण से किसानों ने समय पर अपने ऋण की राशि जमा नहीं की गई है, जिसके कारण से किसान अपना राशि जमा नहीं कर पाए हैं। बैंक ने किसानों का अपमान करते हुए किसानों के नाम की सूची सार्वजनिक की है। सर, आपका नाम बताएं। हाँ, सुनील कुमार धनगर, मुख्य शाखा हरदा, प्रभारी शाखा प्रबंधक। आपने डिफॉल्टर और काला तीन सदस्यों की सूची टांगी है। हाँ, टोटल कितने सदस्य हैं और कितने करोड़ रुपए का कर्ज? हाँ, इसमें 3,922 काला तीन सदस्य हैं, जिसकी राशि है 49,12,13,000। ठीक, इसके आगे अकृषि ऋण की भी जो जानकारी है उसमें 152 सदस्य हैं और उनकी जो राशि है 14,17,87,000। और ये बकाया कालातीत वाला। अभी अगर ये वसूली नहीं हो पाती उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं, मतलब समिति द्वारा और शाखा द्वारा, इसके अलावा RRC भी जारी की गई है। RRC के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है वो आगे किया जा रहा है, मतलब नोटिस शामिल करवा के और वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा टर्नओवर देखिए, हम लोगों का जो हरदा में टर्नओवर है वो हजारों करोड़ का है। अब हजारों करोड़ का प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोगों को जो इनपुट कास्ट लगती है वो कोऑपरेटिव से ही लेनी है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए किसानों ने कर्ज लिया, समय आएगा उसको चुकाएंगे। सवाल यहाँ उठता है, जब जब BJP को मौका मिलता है ये किसानों का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकती है। जब इसे मौका मिला तो इसने गोली मारी, जब इसे मौका मिलता है डंडा मारती है, और जब उसे मौका मिलता है तो अपमान करती है। कभी इन्होंने जो विदेश भागे इन लोगों के ऊपर कभी प्रश्न उठाया? जो यहाँ पर उद्योग के नाम से बड़ा बड़ा कर्जा ले चुके हैं, क्या उन लोगों के ऊपर इनने सवाल उठाएं? ये नहीं उठाते। ये लोगों की जो तकलीफ है वो गरीबों के साथ में, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है। जो छोटा सा पैसा है, ये 60-70 करोड़ का क्या मसला है? कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस प्रमोशन के नाम पे वो छूट दे रहे हैं। आज किसानों को ज़रूरत है। एक तरफ आप उसका वाजिब दाम नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ उसके जो इनपुट कास्ट है उसको बढ़ाते जा रहे हो, तो कर्जा स्वाभाविक बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ेगा और उत्पादन का प्राइस नहीं मिलेगा तो वो घाटे में आएगा, और घाट आकर इनकी जो रीति और नीति है वो दिखावे की अलग है और जमीनी हकीकत अलग। ये किसानों का अपमान है और इसका अपमान का हम विरोध करते हैं। हरदा से अखिलेश मालवी की ये रिपोर्ट।